अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग कलमकार लग्जरी फेस्टिव लॉन। ये हमने कस्टमाइज स्टिच किया है डबल एक्सल साइज़ में, और ये एक्चुअली कलेक्शन काफ़ी पुराना है, बट मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हमने इसको अभी स्टिच किया है। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बट कुछ टाइम तो हो गया इसको, और स्टिच किया है हमने। और स्पेशली एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी वीडियो शेयर करें, सो दिस इज़ फॉर हर। लेट्स सी हाउ इट इज़। ओके जी, इसका लॉन फैब्रिक है एक्चुअली, और ये लॉन थोड़ा सा स्विस टाइप का था, तो ये काफ़ी सी थ्रू था, इसलिए हमने इसके अंदर ग्रिप की लाइनिंग लगाई है। ग्रिप मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, ग्रिप ऐसा फैब्रिक होता है जो लॉन के सूट्स के लिए परफेक्ट है, नॉट फॉर शिफॉन सूट्स। थोड़ा लाइट होता है, बट ये कि जो बहुत ज़्यादा सी थ्रू होता है लॉन के फैब्रिक्स, तो उसके लिए सूटेबल होता है। तो ये हमने इसके अंदर ग्रिप का फैब्रिक लगाया। इसके बहुत सारे पैचेस थे, तो मैं दिखा दूँ, ये दामन का बॉर्डर है। अच्छा, ये दामन का बॉर्डर है यहाँ तक, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये यहाँ तक बॉर्डर एक है, और उसके बाद ये वाला बॉर्डर जो है ये स्ट्रेट सिलाई के साथ लगा। ये इतना नीटी लगता है कि पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि मैंने इसके सेपरेट बॉर्डर्स देखे थे तो मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ। इसके एज पर जो है क्लोज गोल्ड कलर के पर्ल्स भी लगाए हैं। उसके बाद ये सारी लेसेस जो हैं, इसकी बहुत सारी लेसेस थी और कुछ स्टिल इनकम्प्लीट हैं, मतलब जो जिस तरह पिक्चर में दिखाया वैसा नहीं बना, पर मैं बताती हूँ कि कहाँ पर नहीं बना। अच्छा, ये एक छोटी सी गोटा लेस है, मतलब समोसा लेस कहते हैं इसको एक्चुअली। ये इसके साथ इंक्लूड नहीं थी, हर जॉइंट के ऊपर लगाई है, ये हमने खुद ही ली है। उसके बाद फ्रंट ओपन पर इसका ये पूरी पट्टियाँ लगी हैं, सब सिलाई के साथ लगी हुई विद जो छोटी सी लेस है, और इसके चाकों पर भी लेस है, ये सब सिलाई के साथ लगी हैं। इसके मोटिव्स जो हैं वो एप्लिक हुए हैं। अच्छा, फ़र्क सिर्फ ये है कि पिक्चर में ये वाली जो लेस है ये पूरे आर्म होल तक जा रही है, बट हमें जो दी है उससे ये आर्म होल तक पूरी नहीं हो सकती थी, जस्ट फ्रंट बैक के चाक पर कंप्लीट हुई। फ्रंट पे पूरा जो है लेस है, ये अच्छी बात है कि लॉन्ग शर्ट बनी है उसके बावजूद भी जो है ये लेस कंप्लीट हो गई। गला भी इसका एम्ब्रॉयडरी हुआ है, इसको एप्लिक कराया है ऑल साइड्स पर। उसके बाद इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स का ये बॉर्डर जो है यहाँ से सिलाई के साथ अटैच हुआ है, यहाँ से कटवर्क कराया है, और इसके एज पर पर्ल्स लगाए हैं इस तरह से। ये जो गोल्ड कलर है एक्चुअली ये बड़ा खूबसूरत डाइड ही आता है, अदरवाइज हम इसको डाई भी करा सकते हैं, पर्ल का कलर होता है, इट्स नॉट क्रिस्टल, ये पर्ल है। उसके बाद बैक पे भी वैसे ही बॉर्डर है, और जैसे ये वाला जो है सिलाई के साथ लगा हुआ है, ये वाला सेम जैसे फ्रंट का था, और ये वाली लेस हर जॉइंट के ऊपर इसे लगी है। बाकी बैक प्लेन है, और बैक पर एक बंच है जो कि एप्लिक करा है। ये सब इसके सारे पैचेस अलग थे, ये जो ब्लैक पीस है ये बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल प्लेन पीस था इसका ब्लैक, और इसको ऐसा लुक क्रिएट करने के लिए जैसा ये अभी है, तो ये सारे पैचेस इसके ऊपर अटैच किए गए हैं, वरना तो ये शर्ट का फैब्रिक जस्ट प्लेन शर्ट, पूरी शर्ट विद स्लीव्स जो है बिल्कुल कंप्लीट प्लेन था। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत है, अगर ये फैब्रिक लॉन ना होता तो ये बहुत अच्छा फॉर्मल ड्रेस है, कलर कंट्रास्ट भी जो है बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये मिरर, ये एक्चुअल मिरर है एक्चुअली, नहीं सॉरी, एक्चुअल मिरर नहीं है, पन्नी टाइप का है, बट ये कि इसका काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्मल है, तो ये जस्ट फैब्रिक इसका लॉन है, अदरवाइज इसका एम्ब्रॉयडरी एंड एवरीथिंग इज़ लाइक फॉर्मल। उसके बाद है उसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। ऑर्गेन्जा के दुपट्टों को एक्चुअली संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं खोल रही। ये सब स्क्रीन प्रिंटिंग है इसके ऊपर, और ये बॉर्डर्स हैं जो कि सिलाई के साथ लगे हैं, यहाँ से अटैच किए हैं। उसके बाद फिर ये लॉन्ग साइड के बॉर्डर्स हैं, ये भी सब सिलाई के साथ लगे हैं, और फिर लॉन्ग साइड पर इसके ये आड़ा टेढ़े नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो इस तरह मैंने रखा हुआ है, इसके ऑल साइड्स पर पर्ल्स लगाए हैं चारों साइड पर। तो पल्लू से काफ़ी अच्छे हैवी हैं, और उसके बाद जो है और लॉन्ग साइड्स पर भी जो है पर्ल्स लगाए हैं, और बॉर्डर्स हैं लॉन्ग साइड पे, ये भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये दुपट्टा कंप्लीट हुआ। अच्छा, ट्राउज़र जो इसका पिक्चर में दिखाया है प्लाज़ो,
लेकिन ये जो लेस थी इतनी ज़्यादा लेस नहीं थी कि प्लाजो बन सकता, तो ये जस्ट स्ट्रेट पैंट ही बन सकती थी। इसलिए हमने इट्स मोर देन सिगरेट पैंट, लाइक इट्स लाइक 18 इंचेस ऑल अराउंड है ये पाइचा, बट इससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो अगर आप प्लाजो बनाना चाहेंगे तो फिर उस पर ये लेस नहीं आएगी। सो ये इसका ट्राउज़र कंप्लीट हुआ, और ट्राउज़र भी जो है ये सी थ्रू था क्योंकि स्विस टाइप का फैब्रिक है, एक्चुअली स्विस नहीं है बट लॉन काफ़ी सी थ्रू है, तो इसके अंदर भी हमने लाइनिंग लगाई। सो दैट्स इट। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, जस्ट फैब्रिक की वजह से मुझे बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगा, अदरवाइज एम्ब्रॉयडरी एंड कलर कॉम्बिनेशन और एम्ब्रॉयडरी के कलर्स एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। तो बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट है, और स्टिचिंग मतलब स्टिच होकर भी जो है बहुत ही अच्छा आइडियल स्टिच हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें रह गई, इसके इसका जो है फैब्रिक इसके गले के टसल के दिए फ्लावर्स दिए हुए, जो कि अभी बना नहीं एक्चुअली, वो मिस हो गया था, लेकिन वो अटैच करना है मैंने, तो वो इंक्लूड है। मतलब जो भी इस फैब्रिक को लेगा तो कन्फ्यूज ना हो जाए, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं एक्चुअली, जो कि एक टसल कस्टमाइज बनेगा उसके ऊपर जो है, फिर वो फ्लावर्स जो हैं वो लगेंगे। दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।